हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं पहले जो हमने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे रिलेटेड टू ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो जिसमें पहला क्वेश्चन था हमारा 2y is equal to cos inverse 3x minus 4, हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे बेसिक ग्राफ क्या होगा हमारा, cos inverse x। तो पहले उसको बना लेते हैं। तो हमने पहले बनाएंगे y is equal to cos inverse x। चलो फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, जैसे कि अब देखो 3x माइनस 4 चाहिए, तो मैंने तुम्हें कल बताया था कि हम लोग स्केलिंग बाद में करेंगे, पहले शिफ्टिंग करेंगे। क्यों, नहीं तो उसमें क्या होगा, नहीं तो अगर कर तो हम पहले स्केलिंग भी सकते हैं, बट क्या होगा थोड़ा दिमाग ज्यादा खर्च होगा। तो इससे बेटर क्या है, सबसे पहले हम शिफ्टिंग प्रेफर करेंगे। तो शिफ्ट कैसे करूंगा, 4 यूनिट से राइट की तरफ। तो मैं करूंगा क्या करूंगा, एक्स को आई रिप्लेस विद एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x माइनस 4। अब क्या करूंगा, इधर 3x चाहिए तो आई स्केल इट विद 3। तो क्या करेंगे, x को हम 3x से रिप्लेस करेंगे, x कैन बी रिप्लेस बाय 3x, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 3x माइनस 4। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब क्या करें, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन y की जगह 2y, तो अब मैं क्या करूंगा y की जगह 2y, तो y स्केल में स्केल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना, आधा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। जब भी k ग्रेटर देन 1 होता है तो एक्चुअली ग्राफ कंप्रेस हो जाता है। तो फाइनली हमारे इधर आ जाएगा जो हमें चाहिए आउटपुट, ठीक है। तो कितने ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे हैं, 1, 2, 3, तीन ट्रांसफॉर्मेशन में हमें ये मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको, देखना। तो पहला ग्राफ बनाया है y = cos inverse x, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते सो दैट सारा कवर हो जाए इधर। तो cos inverse x का ग्राफ हमें एकदम टिप्स होना चाहिए, बेसिक ग्राफ, जैसा कि मैंने बोला आप 6 के 6 इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इनवर्स के जो ग्राफ है बेसिक ग्राफ्स, वो याद होना चाहिए। तो हमारा ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है कुछ, तो ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज -1, दिस इज +1, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज पाई बाई 2, ठीक है। अब क्या करना है, x को x माइनस 4, मतलब 4 यूनिट्स आगे की तरफ शिफ्ट होगा ये ग्राफ। तो अब हमारा ग्राफ क्या बनेगा, देखना इधर, इधर बना देते हैं, the graph will look something like this। अब देखो जब मैं 4 यूनिट आगे खिसकाऊंगा तो माइनस 1 का जाएगा 3 पे, तो ये 3 पे जाएगा, लेट्स से दिस इज 3 इस पॉइंट पे, ये y एक्सिस में तो अभी भी ये पाई रहेगा, फिर ये ऐसा कर्व है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, समझ में आया। दिस विल बी 4, दिस विल बी 5, तो 2-1 वाला पॉइंट 5 पे आ गया, क्योंकि 4 यूनिट्स आगे खिसकाया है। और अगर स्केल देखूं तो ये वाला जो पॉइंट होगा अभी भी ये पाई बाई 2 ही रहेगा, एंड दिस इज 0। क्लियर हुआ बच्चों, तो ये हमारा ग्राफ किसका बन गया, देखो ये तो हमारा बन गया इसका, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी ग्राफ को चेंज कर रहा हूं ये बनाने के लिए, तुम लोग अलग से ग्राफ बनाना। क्या करेंगे हम, x को 3x से रिप्लेस करना है, तो क्या होगा, x एक्सिस कंप्रेस हो जाएगी, तो जो भी x एक्सिस पे लिखे हैं उनको 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो आई विल गेट दिस 3/3 व्हिच इज 1, 4/3 एंड दिस इज 5/3। अभी किसके किसका ग्राफ बन गया मेरा ये, इंस्टेड ऑफ दिस अब ये हमारा हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। अब क्या करें, अब जैसे कि मैंने लिखा y को 2y से रिप्लेस करें, तो y एक्सिस में कंप्रेस होगा 2 यूनिट से, तो अब मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं अगेन, तुम लोग अलग से बनाना। तो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली आउटपुट, ये मेरा आउटपुट, देखना क्या करूंगा, y एक्सिस में 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि y को 2y से रिप्लेस किया है, तो ये हो जाएगा मेरा पाई बाय 2 और ये हो जाएगा पाई बाय 4, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। ये मैंने कर्व बनाया, दिस इज माय आंसर, दिस इज 0 ओनली, क्योंकि 0 को हम 2 से डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। तो फाइनली ग्राफ इज 0, ये 0 है, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 4, 1, 4/3, 5/3। एक आध वैल्यू तुम वेरीफाई करके भी देख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 1 रखा, तो 1 पे देख रहा है मुझे पाई बाय 2 आना चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं। तो एक मिनट रुको, y 2y इज इक्वल टू, ठीक है हाँ, तो 1 रखा मैंने इसमें, तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स 3 माइनस 4 माइनस 1, और कॉस इनवर्स माइनस 1 कितना होता है पाई, और पाई और ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 आ गया, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। एक बार 4/3 पे देख लेते हैं, तो 4/3 इधर रखूंगा, तो कॉस इनवर्स 3 × 4/3, 3 से 3 गया 4 माइनस 4 0, तो कॉस इनवर्स 0 कितना होता है पाई बाय 2, बट ये 2 इधर रह जाएगा तो पाई बाय 4, तो y इज इक्वल टू 3/4 पे, सॉरी 4/3 पे वैल्यू कितनी आ रही, पाई बाय 4, तो परफेक्ट बना है, मतलब ठीक है। एक अगर तुम्हें कभी डाउट आता है तो एक आध पॉइंट वेरीफाई करके देख लिया ओरिजिनल इक्वेशन से, ठीक है, समझ में आया। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स
टू मॉड एक्स माइनस सिक्स, ठीक है, टू मॉड एक्स माइनस सिक्स। चलो इसको करते हैं, देखते हैं हम। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कैसे करेंगे, बेसिक ग्राफ टेन इनवर्स एक्स। तो पहले मैंने लिया y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, फिर क्या करेंगे, देखो मॉड को भूल जाओ, मॉड को हम बाद में सबसे आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन मॉड लगाएंगे x को मॉड x से, उससे पहले 2x माइनस सिक्स है, तो क्या करेंगे पहले शिफ्टिंग करेंगे, तो x को x माइनस सिक्स, तो इधर से आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स x माइनस सिक्स। फिर हम स्केल करेंगे, तो x को आई रिप्लेस विद 2x, तो ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2x माइनस सिक्स, देन लास्टली x को मॉड x से करेंगे, तो हमें आउटपुट आ जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो अगेन एक दो तीन, टोटल तीन ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे हैं, तो कर लेते हैं हम। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स x बनाते हैं, दिस इज y इक्वल टू, एकदम टिप्स पे होना चाहिए बेसिक ग्राफ जो मैं हर बार बोलते आ रहा हूं, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई बाई टू, दिस इज जीरो, ठीक है। ये x y इक्वल टू पाई बाई टू एंड y इक्वल टू माइनस पाई बाई टू आर टू एसिम्प्टोट्स, रेंज इज माइनस पाई बाई टू ओपन से पाई बाई टू ओपन, और डोमेन क्या है ऑल रियल वैल्यूज। तो इसमें x माइनस सिक्स, तो छह यूनिट शिफ्ट करना है, तो आगे की तरफ छह यूनिट शिफ्ट करूंगा, तो ये जीरो वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा सिक्स पे, तो हम इसी के अंदर ग्राफ बनाते, चलो सेपरेटली बना देते हैं, एक काम करता हूँ सेपरेटली बना देता हूँ, देखना आप ध्यान से बच्चों, सिक्स यूनिट्स खिसकाऊंगा तो ये होगा सिक्स यूनिट्स, लेट्स से ये सिक्स है, तो इट इज समथिंग लाइक ठीक है, ये हो गया हमारा सिक्स कॉमा जीरो, क्लियर हुआ, या फिर सिक्स अकेला लिख लेता हूं अभी, एक्स कोऑर्डिनेट मेंशन कर रहा हूं मैं केवल, तो दिस इज सिक्स, तो ये मेरा ग्राफ हो गया टेन इनवर्स एक्स माइनस सिक्स। अब मैं इसी में चेंज करने वाला हूं, ठीक है ना, देखना ध्यान से, अब मैं x की जगह क्या करूंगा 2x करूंगा, तो क्या होगा स्केल होगा, x एक्सिस में कंप्रेस होगा, तो जो भी x एक्सिस पे पॉइंट्स हैं वो सब डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो इधर आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 3, और इधर आ जाएगा 2x tan इनवर्स 2x माइनस 6, क्लियर हुआ बच्चों। अब फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन x को मॉड x से, तो रिकॉल करो x को मॉड x से रिप्ले करते हैं तो क्या होता है, जैसे इसको याद कैसे रखा था, माइनस टू भी टू की तरह ट्रीट होता है, मतलब जो टू पे आउटपुट आ रहा है वही माइनस टू पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा वो हम क्या करेंगे, जो y एक्सिस है उसके लेफ्ट में वाले ग्राफ को ड्रॉप करेंगे, और जो पॉजिटिव x के लिए ग्राफ है वही नेगेटिव x के लिए करेंगे, इसका मतलब मिरर इमेज ले लेंगे y एक्सिस पे, तो फर्स्टली आई विल रब दिस ग्राफ, अब इसका मिरर इमेज ले लूंगा मैं, इसको रब कर देता हूं, तुम लोग लिख लेना, अब इसका मिरर इमेज देखना कैसे बनेगा, इट इज समथिंग लाइक दिस, देखो क्लियर हुआ, ये पॉइंट मेरा लोकेट करना पड़ेगा, ये पॉइंट क्या होगा माइनस थ्री, इसका मेरा इमेज माइनस थ्री होगा, सो इट इज ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ये किसका ग्राफ हो गया टू टाइम्स मॉड एक्स माइनस सिक्स, फाइनल ग्राफ, क्लियर हुआ बच्चों। तो बहुत इजी है, ठीक है ना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, अभी भी किसी को लगता है कि अब थोड़ा और ज्यादा सीख लिया है, तो अगले जो क्वेश्चन है आई थिंक थ्री और फोर और बचे हुए उसको तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ उसको, तो इसको रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ग्राफ, बेसिक ग्राफ अगेन एंड आई मीन रिमाइंडिंग यू, एकदम रटना है, टिप्स पे होना चाहिए जितने ही मैंने बेसिक ग्राफ बनाए हैं, ठीक है ना, अभी तक जो भी हमने ग्राफ बनाए हैं। नाउ थर्ड वन, देखना क्या है, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ टू मॉड x माइनस थ्री, ठीक है, तो इसको ग्राफ को हम बना लेते हैं, देखना तो कैसे स्टार्ट करें, बेसिक सिग्नम एक्स से, तो सिग्नम एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, दिस इज वाई इज इक्वल टू सिग्नम एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स, तो इसका ग्राफ क्या होता है, यहां होलो सर्कल होता है, पॉजिटिव एक्स के लिए वन देता है आउटपुट, नेगेटिव एक्स के लिए माइनस वन देता है, और जीरो पे एग्जैक्ट जीरो होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अब देखो पहले इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता हूं, पहले क्या करूंगा शिफ्टिंग, तो एक्स को एक्स माइनस थ्री से, तो क्या हो जाएगा सिग्नम ऑफ x माइनस थ्री, फिर अगेन स्केलिंग, तो स्केलिंग में क्या करेंगे x को 2x से, तो जाएगा सिग्नम ऑफ 2x माइनस थ्री, एंड फाइनली x को मॉड x से, तो तुम्हें आउटपुट मिलेगा जो हमें चाहिए, क्लियर है। अभी तक जो भी तीनों क्वेश्चन देखे सम ऑलमोस्ट सब में यही ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, शिफ्टिंग स्केलिंग मॉड, ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, तो x को x माइनस थ्री से रिप्लेस करेंगे, तो ये जीरो वाला कोऑर्डिनेट कहाँ जाएगा थ्री पे आ जाएगा, तो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, देखना ये रहेगा हमारा, ये थ्री आ जाएगा,
थ्री से शिफ्ट किया ना, एक्स माइनस थ्री बिल्कुल, और ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये हो जाएगा, और इधर ये ग्राफ मूव कर रहा है, इधर ये ग्राफ मूव कर रहा है, ये डैश 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 डैश, दिस इज माई जीरो, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ये किसका ग्राफ हुआ? इसका, सिग्नम ऑफ एक्स माइनस थ्री का। ठीक है, अब क्या करें, स्केलिंग करते हैं। तो स्केलिंग में इधर ही चेंज कर रहा हूं, तुम लोग सेपरेट ग्राफ बनाना। क्या करूंगा, इस थ्री को डिवाइड बाय टू करूंगा, क्योंकि एक्स को मैं टू एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं, तो दिस थ्री विल बी कन्वर्टेड टू थ्री बाय टू। ठीक है, अब ये ग्राफ किसका हो गया, इस चीज का। आप सुनना ध्यान से, अब एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट में जो ग्राफ है उसको मैं रब करूंगा, सो आई विल रब दिस पार्ट। अब जो बचा हुआ ग्राफ है उसका इधर मिरर इमेज लूंगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए। देखना क्या करें, अब इसका मिरर इमेज लेते हैं, तो इधर थ्री बाय टू का इधर क्या होगा, माइनस थ्री बाय टू, तो ये हो गया माइनस थ्री बाय टू, और ये हो जाएगा हमारा डेड डेड डैश, ये ओपन सर्कल, ये डार्क सर्कल, फिर ये डेड डेड डैश, इधर ओपन सर्कल, और ये कर्व हो गया। तो ये रेड वाले बनाया वो प्लस ब्लैक इज नथिंग बट टोटल कर्व, टोटल आउटपुट हमारा। क्लियर हुआ बच्चों? लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी बताया मैंने, क्या जैसे थ्री बाय टू हमें आउटपुट दें चाहे माइनस थ्री बाय टू दें, इट शुड बी सेम। ठीक है ना, तो इधर ये जीरो है हमारा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा अभी तक। चलो तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन था, उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। और बहुत कम बच्चों का रिस्पॉन्ड आ रहा है। ठीक है ना, मैंने मैट्रिसेस की भी शीट दी थी, बट आई थिंक एडवांस की जो शीट दी थी और इवन मेंस की, मुझे लग रहा है दो या तीन बंदों के अलावा किसी ने मुझे व्हाट्सएप नहीं किए क्वेश्चंस डाउट्स। ठीक है, इट्स योर मर्जी, बट देखो अभी मेहनत करने का समय करो, जितना हो सके डाउट्स क्लियर करो। बहुत अच्छा मौका मिला है तुम लोगों को अभी। ठीक है, मतलब तुम लोग जैसे बहुत से बच्चों का होता है कि क्लासरूम में एक बार में नहीं समझ में आता, अभी तुम्हारे पास लेक्चर है, रिकॉर्डेड है, तो तुम बार बार रिमाइंड करके देख सकते हो। ठीक है ना, सो मेक यूज ऑफ इट। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। लॉ इसके कुछ घाटे भी हैं तो कुछ फायदे भी हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि केवल घाटे ही घाटे हैं ऑनलाइन क्लासेस के। चलो अब हम देखते हैं मॉड वाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो कॉट इनवर्स, अभी तक अगर ट्राई नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ठीक है ना, अगर ट्राई नहीं किया हो तो, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे ना, उसके बाद अगर तुम सोल्यूशन देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा एज कम्पेयर टू डायरेक्टली वॉचिंग द सोल्यूशन। तो अब स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करें, हम स्टार्ट करते हैं cot इनवर्स x से, बेसिक ग्राफ। तो cot इनवर्स x, ठीक है, y इज इक्वल टू, अब देखना थोड़ा सा इसमें ट्रिकी तो नहीं बोलूंगा हालांकि। चलो अब क्या करें हम, अब मैं x को x माइनस थ्री से रिप्लेस कर रहा हूं, x प्लस थ्री से, सॉरी देखना थोड़ा सा ट्रिकी है, x प्लस थ्री से इसलिए कर रहा हूं, फिर मैं क्या करूंगा x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा, तो माइनस एक्स प्लस थ्री जनरेट हो जाएगा, फिर x को मॉड x से। ठीक है ना, तो क्या करूं मैं, पहले मैंने लिखा cot इनवर्स x प्लस थ्री, तो ये क्या होगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा थ्री यूनिट्स, cot इनवर्स वाला ग्राफ। अब देखना, अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं x को माइनस x से रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये cot इनवर्स माइनस x प्लस थ्री। ठीक है, अब मैं रिप्लेस करूंगा x को mod x से, तो जाएगा cot इनवर्स माइनस टाइम्स मॉड एक्स प्लस थ्री। देखो मॉड पूरे पे मत लगा देना, क्योंकि जब भी हम रिप्लेस करते हैं ना केवल एक्स को, जहां एक्स है माइनस अपनी जगह है, माइनस पहले लिखा है फिर एक्स के मॉड एक्स लिखा हमने, समझ में आया ना, तो डोंट पुट ओवरऑल मॉड हेयर, वो तो मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स ही हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद हमें ये नहीं लिखना कि बहुत से बच्चे शायद ऐसे कर सकते हैं cot इनवर्स मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस थ्री, ये तो गलत हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस एक्स तो एक्स ही मॉड एक्स ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, मॉड ऑफ माइनस वन इंटू मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ माइनस वन कितना होगा, वन इंटू मॉड एक्स इज मॉड एक्स, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं करना है, दिस इज करेक्ट वे, समझ में आया। चलो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, देखना, तो ये मेरा रब कर देता हूँ गलत वाला पार्ट। चलो तो स्टार्ट करें, एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं हमने सही किया है कि नहीं, cot इनवर्स x, x प्लस थ्री, फिर माइनस x, फिर माइनस मॉड x प्लस थ्री, करेक्ट है। ठीक है, चलो तो cot इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, जीरो से पाई सेकंड कैटेगरी ऑफ इनवर्स फंक्शन में आते हैं, तो ये हो गया हमारा cot इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया पाई बाय टू, दिस इज जीरो,
दिस इज पाई, ठीक है यही था। अच्छा अब x को x प्लस थ्री से रिप्लेस करना है मुझे। अब x प्लस थ्री से जब करूंगा तो पीछे की तरफ आएगा ग्राफ, तो मैं अलग से बना लेता हूं। देखना ये है मेरा ग्राफ, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जीरो, x इक्वल टू जीरो पे है, पीछे थ्री यूनिट से जाएगा तो x इक्वल टू थ्री पे आ जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट है वो थ्री पे आ जाएगा, थ्री पे आ जाएगा, और इसके बाद हमारा ग्राफ ऐसे डिक्रीज कर रहा है, x एक्सिस एसिम्प्टोट का काम करेगी, ठीक है, और प्लस ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ ऐसिंग, तो ये हो गया हमारा, दिस इज स्टिल पाई, दिस इज पाई बाई टू एंड दिस इज थ्री, क्लियर हो रहा, दिस इज ग्राफ ऑफ दिस x प्लस थ्री। अब देखना अब क्या किया हमने, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, तो x को माइनस एक्स से करते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे 2 और माइनस 2 का रोल अपोजिट हो जाता है, इसका मतलब जो ग्राफ एट प्रेजेंट दिया है, इसमें रब वगैरह नहीं करेंगे, मतलब करेंगे रब, बट जो ग्राफ दिया है उसी का तुरंत मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक है, तो वॉट एवर इस ग्राफ इज गिवन आई विल टेक मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, तो y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज देखना कैसे आ रहा है, मैंने ऐसे लिखा और ये हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये माइनस 3 पे चला जाएगा, माइनस 3 पे, और इट इज समथिंग लाइक दिस, और ये हमारा ऐसे चला जाएगा, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं थोड़ा सा जगह करने के लिए, ठीक है, तुम लोग इसको लिख लेना, ये समझ में आया, जो ब्लू में ग्राफ बनाया मैंने, तो इसको मैं थोड़ा सा और स्मूथ कर बना देता हूं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा रफ लग रहा है, ये हो गया हमारा कर्व, दिस इज विल एसिम्प्टोट, तो हमें जो ग्राफ जो ब्लू वाला है वो किसका है, कॉट इनवर्स माइनस मॉड एक्स प्लस थ्री, लिख लेना इसको ब्लू वाला, मैं इसको पुराने वाले को रब कर देता हूँ, ब्लैक वाले को, ये हो गया मेरा पुराना वाला रब, ठीक है ना। चलो अब क्या करें, x को मॉड x से रिप्लेस करेंगे इसमें, तो अब x को मॉड x से करते हैं तो क्या होता है, y एक्सिस के लेफ्ट में जो कर्व होता है उसको रब करते हैं, तो इस कर्व को रब किया, अब जो ब्लू वाला है उसका मिरर इमेज, तो देखना कैसे बनेगा, सॉरी स्मूथ कर्व बन रहा है, थोड़ा ऐसे बनेगा, ये देखो समझ में आया, और ये पॉइंट क्या था अभी हमारा, दिस इज एक्चुअली क्या था हमारा, 3 मिनट से शिफ्ट किया ना, हाँ, तो जैसे अगर मान लो कोई ने पूछा मुझे ये पॉइंट क्या है, एक मिनट के लिए, तो क्या करें हम इसमें x के जगह 0 डाल देते, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या जाएगा, कॉट इनवर्स 3, तो दिस पॉइंट इज कॉट इनवर्स 3, वाले मार्क करना है तो यू कैन मार्क इट, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, तो दिस इज द फाइनल आउटपुट, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे लोग गलती करते हैं इधर, जब x को mod x से रिप्लेस करते हैं तो वो माइनस बी मॉड के अंदर ले लेते हैं, जब हम x को mod x से कर रहे हैं तो केवल x पे कंसंट्रेट करेंगे, उसके आसपास साइन क्या है उस पर हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे, क्लियर है बच्चों। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन था, और मैंने बोला था उसमें चार या पांच ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, जस्ट कॉपी दिस पार्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टू क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, तो एक चलो दोनों ही करेंगे, देखते हैं, 3y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 ऑफ ln ऑफ 6 मॉड x माइनस 2 इसका होल मॉड, ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर, कहां से स्टार्ट करें, ऑफ कोर्स ln x से, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, y इज इक्वल टू ln x, बेसिक ग्राफ, फिर क्या करें, मॉड को भूल जाए एक मिनट के लिए, दोनों मॉड को भूल गए, मॉड को हम आखिरी में डील करेंगे, तो ये 6x माइनस 2 है, तो शिफ्टिंग और स्केलिंग, तो क्या करें, पहले शिफ्टिंग करेंगे, तो x माइनस 2 चाहिए, तो x को x माइनस 2, तो इधर से हो जाएगा y इज इक्वल टू ln ऑफ x माइनस 2, फिर स्केलिंग, स्केलिंग करेंगे तो x को x 6x से, तो जो हो जाएगा ln ऑफ 6x माइनस 2, फिर मॉड, फिर x को मॉड x से, तो ये जाएगा ln of 6 mod x minus 2 y is equal to, अच्छा अब और बचा है देखना, अब देखो ये 5 लिखा है, इस 5 को तो पॉजिटिव नंबर, इसको तो बाहर में ले सकता हूँ, ठीक है ना, तो इसको मैंने बाहर ले लिया, ठीक है ना, और इस 3 को आगे ले लिया, या तो ऐसे बोल दो, या फिर इसको 3 by 5 को इधर लिख लो, वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 5 बाय 3 लिखो चाहे इधर 3 बाय 5 लिखो, अब y को के वाई वाला लगा लेते हैं हम, तो क्या करते हैं y को के वाई, तो y को के वाई मतलब 3 बाय 5 वाई, एक्चुअली k लेस देन 1 है तो और बड़े मतलब एक्सपैंड हो जाएगा y एक्सिस में ग्राफ, ठीक है ना, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के चलते, तो 1 2 3 4 तो हमारा एक एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ठीक है ना, और मॉड वगैरह तो और तो मॉड था नहीं ना, ठीक है चलो नहीं इतना ही है, ठीक है,
तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो स्टार्ट करते हैं एल एन एक्स से। तो y इज इक्वल टू एल एन एक्स, तो ये हो गया हमारा एल एन एक्स, दिस इज वन, दिस इज एल एन एक्स। इसको मुझे x माइनस टू टू यूनिट्स आगे की तरफ शिफ्ट करना है। तो अब देखना, मैं इधर ही शिफ्ट, इधर ही चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ? अब एस एम टू x इज इक्वल टू जीरो थी, तो अब क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू टू। तो इसको इसको मैं y x एक्सिस को इधर बोल देता हूँ, y x इसको। तो दिस इज x इज इक्वल टू टू, दिस इज जीरो, कैलकुलेट करो, ये टू होगा तो ये कितना हो जाएगा, थ्री। ये किसका ग्राफ हो गया, एल एन ऑफ x प्लस टू। तो वेरीफाई भी कर सकते हो, थ्री सॉरी x माइनस टू, एक्स के थ्री रखो तो एल एन ऑफ एक्स थ्री माइनस टू, एल एन वन जीरो आ रहा है, ठीक है ना, और टू रखोगे तो एल एन जीरो, तो विच इज नॉट डिफाइंड क्योंकि इन्फिनिटी होता है माइनस। तो ये एस एम टूट का काम कर रही है, कौन सी लाइन, एक्स इज इक्वल टू टू, क्लियर है। चलो अब स्केल सिक्स एक्स कर दिया, तो क्या करें, जो भी नंबर है एक्स एक्सिस को सिक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो थ्री थ्री बाय सिक्स कितना हो जाएगा, हाफ, और ये हो जाएगा टू बाय सिक्स विच इज वन बाय थ्री, क्लियर है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, एल एन ऑफ सिक्स एक्स माइनस, तुम्हें अलग अलग लिखना है, अगेन आई एम रिमाइंडिंग, इसी में चेंज नहीं करना है, ठीक है ना, डायरेक्टली फाइनल आंसर नहीं लिखना है, एक एक स्टेप में लिखना है, समझ में आया। स्केल किया तो सिक्स से डिवाइड कर दिया, इधर थ्री था तो थ्री बाय टू हो गया, इधर टू था तो टू बाय सॉरी इधर थ्री था तो थ्री बाय सिक्स विच इज हाफ, और इधर थ्री इधर टू था तो टू बाय सिक्स विच इज वन बाय थ्री। अब फाइनल सेकेंड लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स को मॉड एक्स से, तो एक्स को मॉड एक्स से करते हैं तो क्या होता है, जो ग्राफ होता है इस साइड एक्स एक्सिस के साइड y एक्सिस के लेफ्ट में, उसको रब करते हैं, तो y एक्सिस के लेफ्ट में अभी तो कुछ नहीं है, तो रब तो नहीं करेंगे लेकिन इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो देखना क्या होगा हमारा ग्राफ फाइनली, तो ये हो गए मेरे एस एम टूट, ठीक है, दिस इज वन बाय थ्री। इसी तरीके से जब मिरर इमेज होगा तो एक इधर इधर भी एस एम टूट आएगी विच इज माइनस वन बाय थ्री। अब देखना ग्राफ बनाता हूं, ये लेफ्ट वाली राइट वाली ब्रांच, दिस इज हाफ, एंड दिस इज लेफ्ट वाली ब्रांच, दिस इज माइनस हाफ, क्लियर हुआ बच्चों। ये अभी तक ग्राफ किसका बना, वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ सिक्स मॉड एक्स माइनस टू, समझ आए, मॉड क्या, इनको मॉड को कैसे लाए हम पिक्चर में, लेफ्ट में पहले कुछ नहीं था वाई एक्सिस के, फिर इसका मिरर इमेज ले लिया, मतलब रब कर लिया, बोल दो किया नहीं, हालांकि रब कर दिया, फिर उसके बाद मिरर इमेज ले लिया, जो हाफ की जो जैसा हाफ है इस फंक्शन के लिए वैसे ही माइनस हाफ है क्योंकि मॉड लगा है ना, अल्टीमेटली सिक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, हाफ, अगर मतलब माइनस टू डालूंगा चाहे माइनस टू डालूंगा तो सिक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, टू, ठीक है ना। तो वो दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, हेंस वी विल टेक द मिरर इमेज। चलो अब फाइनली अब देखना, अब क्या किया, वाई को थ्री बाय वाई से रिप्लेस किया, तो क्या होता है, वाई एक्सिस में स्केल होता है, बट इन दिस ग्राफ इसमें अभी समझ में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्राफ अभी वाई एक्सिस को कहीं कट कर नहीं रहा, जैसे मान लो कहीं कट कर रहा होता उसका कोऑर्डिनेट मान लो पहले थ्री था तो मैं डिवाइड बाय थ्री बाय फाइव कर देता, समझ में आया, तो वो फाइव हो जाता अल्टीमेटली, बट एट प्रेजेंट ये ग्राफ कट नहीं कर रहा, तो चेंज तो होगा ऑफकोर्स बट दिखाई नहीं देगा वो, तो वी कैन से कि दिस इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ थ्री बाय फाइव वाई, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो फाइनली हमारा आउटपुट होगा ये, क्लियर है बच्चों। चलो अब हम इसके बाद आखिरी क्वेश्चन और देख लेते हैं होमवर्क का, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक मतलब है तो ग्राफ से रिलेटेड बट सॉल्विंग इक्वेशन यूजिंग ग्राफ, उसमें भी हमारा ग्राफ का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होगा, बट उधर मेरा एम होगा इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग ग्राफिकली। चलो लास्ट क्वेश्चन और लिख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है माइनस टू वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन ऑफ सिक्स ऑफ माइनस मॉड एक्स प्लस थ्री। पहले जैसे ये ग्राफ कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ इसका ट्रांसफॉर्मेशन लिखता हूँ, ठीक है, तुम लोग ग्राफ बनाना, ठीक है ना। तो देखो पहले तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, y इज इक्वल टू एल एन एक्स से, अच्छा उससे पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ कहीं, देखो ये कंफ्यूज करने के लिए रखा है मॉड ऑफ माइनस एक्स, बेसिकली मॉड ऑफ माइनस एक्स मैंने दो बार बता चुका, इट इज मॉड एक्स ओनली, ठीक है ना, तो इसको मैं माइनस को हटा सकता हूँ, सबसे पहला चेंज, पहला स्टेप, और ये तो पार्ट अभी हम देखे ही थे, बट इधर क्या है बस माइनस हो रहा है एक्स्ट्रा, तो जो ग्राफ है वो पूरा पलट जाएगा एक्स एक्स सॉरी हाँ एक्स एक्सिस में, जो इससे पहले वाला ग्राफ बनाया था सब कुछ वैसा ही करना है हमें, ठीक है ना, ऑलमोस्ट पैरामीटर्स अलग अलग है ऑफकोर्स, शिफ्टिंग के यूनिट्स अलग अलग है बट स्टेप्स वही रहेंगे, क्या क्या देखो हम लिख लेते हैं इधर, सबसे पहले शिफ्टिंग, तो एल एन ऑफ एक्स प्लस थ्री, एक्स को किससे रिप्लेस किया एक्स प्लस थ्री से, फिर देखना फाइव, फिर मैंने इसको किया स्केलिंग एक्स को सिक्स एक्स से, तो जो जाएगा सिक्स सॉरी एल एन ऑफ सिक्स एक्स प्लस थ्री, फिर एक्स को मॉड एक्स से,
तो जो हो जाएगा एल एन ऑफ सिक्स मोड एक्स प्लस थ्री, क्लियर है? तो एक दो तीन और फिर माइनस, एक काम करते हैं इसको दो 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 पार्ट में करते हैं, तो वाई को टू वाई से, तो जो जाएगा टू वाई इज इक्वल टू, ये तुम्हारा वाई था, टू वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ सिक्स मोड एक्स प्लस थ्री, और लास्ट में एक और हो जाएगा इधर फाइनली वाई को माइनस वाई से, तो हमारा जाएगा माइनस टू वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ सिक्स मोड एक्स प्लस थ्री। तो बस एक ही स्टेप ये वाला जो है ना, दिस इज न्यू, बाकी यहां तक पूरा सेम है एग्जैक्टली, बस डिस्टेंस अलग अलग है, यूनिट्स अलग अलग है, कितने यूनिट से शिफ्ट कर रहे हैं आगे या पीछे, ठीक है, बाकी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना? तो तुम लोग खुद से कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है? चलो फिर अब हम इसके बाद देखते हैं सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग ग्राफ। हाँ, तो हम क्या देखते हैं, सॉल्विंग इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज यूजिंग ग्राफ्स। तो बहुत ही आसान सा पार्ट है, क्योंकि अगर तुम्हारा ग्राफ स्ट्रॉन्ग है तो इस टाइप अगर क्वेश्चन इसके बेसिस पे आए तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, हमारा है क्या ये, दिस इज सॉल्विंग इक्वेशंस। तो ऐसे लिखो, टू सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है हमें, फाइंड x coordinate of point of intersection, x coordinate of point of intersection of y is equal to fx and y is equal to g of x। क्या बोला इसने कि मुझे कोई कर्व है, मुझे कोई इक्वेशन है, लेट से मैंने लिखा जैसे अभी हम देखने वाले हैं e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स, मैंने बोला इसे इस कर्व को सॉल्व करो, ठीक है? तो अगर मान लो मेरे को ग्राफिकली नहीं करना, मान लो एक नॉर्मल प्रोसीजर से अगर मैं सोचूं तो बहुत हार्ड हो जाएगा ये, बहुत हार्ड मतलब सॉल्व ही नहीं होगा। कैसे क्यों नहीं होगा, देखना सुनना बात को, कि जैसे अगर मान लो तुमने सोचा कि हमारा टारगेट क्या है, कि जैसे मान लो पहले मैंने सोचा ई को हटाऊं, तो आई विल टेक एल एन बोथ द साइड, तो जब मैं एल एन लूंगा तो इधर से ई तो हट जाएगा, बोथ वेल एंड गुड, पर इधर दो बार एल एन आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर हमें। अच्छा, फिर कोई बोलेगा नहीं सर एक काम करो इस एल एन को हटा दो, तो चलो इस एल एन को हटाएंगे तो क्या होगा, ये ई की पावर ऑलरेडी, फिर एक और ई की पावर आ जाएगा, तो हम एल एन भी नहीं हटा सकते, दोनों साइड लॉग भी नहीं ले सकते, तो करें तो क्या करें, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा सच क्वेश्चन। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे, इसने क्या बोला कि ये एफ एक्स है मेरा, ये मेरा जी एक्स है, उसने बोला हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, तो क्या करो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व बनाओ, तो लेट्स से ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है और वाई इज इक्वल टू जी एक्स का बनाओ, तो लेट्स से दिस इज वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज माय आंसर। सॉल्व करना मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यूज निकालना जिसके लिए दोनों बराबर हुए हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे जो वाई है दोनों के लिए सेम है, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है इस एक्स पे, तो वही एक्स तो निकालना है मुझे, समझ में आया, क्लियर हुआ? तो क्या करना है हमें, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लॉट करना है, वाई इज इक्वल टू जी एक्स प्लॉट करना है, और वो दोनों ग्राफ जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज माय आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा, ये तो हो गया क्या सॉल्यूशन की बात, की सॉल्यूशन कैसे निकालना है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे बोलूंगा मैं, तो उसको और लिख लेते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखना क्या लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, अभी तो मैंने था सॉल्यूशन निकालना मतलब एक्स की वैल्यूज निकालना, अब मुझे कि वैल्यूज नहीं निकालना, केवल ये बताना है कि कितने सॉल्यूशंस हैं, टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन fx इज इक्वल टू gx, ठीक है ना, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाने, तो क्या करना है, देन फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें तो हम x की वैल्यूज बोल रहे थे, इसमें हम वैल्यूज नहीं बोल रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंड कैसे बोलेंगे, जितनी जगह वो दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, लेट्स से मैंने बोला ये मेरा fx है, लेट्स से ये मेरा fx है और लेट्स से मेरा ये gx है, दोनों को प्लॉट किया तो दिख रहा है दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगा fx = gx के दो सॉल्यूशंस है, व्हिच इज लेट्स से ये x1 होगा तो x1 और ये होगा x2 तो x2, दो सॉल्यूशंस है एंड द सॉल्यूशंस आर x1, x2।
क्लियर हुआ। तो पहला तो था कि x की वैल्यू निकालना, और दूसरा था कि कितने ऐसे x आ रहे हैं, मतलब ऐसे कितने x हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स। क्लियर है, तो इसको कॉपी कर लो। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इनइक्वालिटीज वाला पार्ट लूंगा, ठीक है ना। उसमें क्या हो जाएगा, इक्वालिटी की जगह बस ग्रेटर देन या लेस देन होगा, ठीक है। तो इसको मैं रैप कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, इसमें जेई में पहले भी बहुत क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्राफिकल ही सॉल्व हो पाएंगे, विदाउट ग्राफिकली यू कैन नॉट सॉल्व इट, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने लिखा एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ln x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। मुझे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल ले। तो पहले विदाउट ग्राफिकली सोचो, बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत से मेरा मतलब है सॉल्व ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसे जैसे मैंने पहले बोला था, इधर ln हटाओगे तो इधर e की पावर में ये दो e की पावर आ जाएंगी, इधर इधर e हटाने की कोशिश करोगे तो इधर दो ln आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं। तो जैसे कि मैंने बोला, हम कैसे करेंगे इसको, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। सो लेट्स से दिस इज माय fx कर्व, दिस इज माय fx एंड दिस इज माय gx। तो पहले मैं y = fx प्लॉट कर लेता हूं, y = fx। तो y = fx क्या, ln x, तो ये तो बहुत अच्छे से याद है हमें, बेसिक ग्राफ ln x का, दिस इज ग्राफ, दिस इज y = ln x। और e की पावर माइनस एक्स को क्या कर सकते हो, अगर याद रखोगे तो डायरेक्टली याद रखोगे, भी बहुत जल्दी यूज, ज्यादा यूज होगा, नहीं तो क्या करोगे, e की पावर x का तो पता ही स्टैंडर्ड कर्व, उसमें x के माइनस x रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, उस ग्राफ का दैट इज e की पावर x, तो ऐसे बनता है उसका मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, तो ऐसे बनेगा, डिक्रीजिंग होगा, x बढ़ाएंगे तो दिख रहा है ये घटेगा। तो यू कैन सी द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, e की पावर माइनस x का, दिस इज e की पावर माइनस x, ये इंटरसेक्ट करेगा 0, 1 पे, x 0 डालोगे तो 1 आएगा। ये तो हो गया मेरा y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x का, और ये हो गया y इज इक्वल टू ln x का। तो दिख रहा है कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं ग्राफिकली, ओनली 1, हैज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। अच्छा, आप कोई बोलेगा कि सर सॉल्यूशन होगा क्या, तो वो जरूरी नहीं हम बता पाए, किसी क्वेश्चन में बता भी पाएंगे, किसी में नहीं भी बता पाएंगे। एक आध एग्जांपल देंगे हम आगे, जिसमें मैं बता पाऊंगा सॉल्यूशन भी क्या है, मतलब सॉल्यूशन भी क्या है, मतलब x1 की वैल्यू क्या है एक्चुअली, बट इस क्वेश्चन में हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस में x की वैल्यूज दी है तो हम वेरीफाई करके देख लें कि भाई इधर रखने पे क्या आ रहा है, इधर रखने पे क्या आ रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, जो ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं उनको इसमें वेरीफाई करके देख लेते हैं, बस वो एक तरीका है। बाकी जरूरी नहीं कि हर बार तुम लोग सॉल्व कर पाओ इसको। हाँ, ग्राफिकली इतना 100% बता दोगे कि सॉल्यूशंस कितने होंगे, सॉल्यूशन क्या होंगे वो जरूरी नहीं है बता पाओगे ग्राफिकली। क्या बोला, एक बार और देखो, या फिर नोट के फॉर्म में भी लिख लो, यूजिंग ग्राफिकली वी कैन टेल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सॉल्यूशन बता पाए, सॉल्यूशन क्या होंगे वो जरूरी नहीं बता पाएंगे, कितने होंगे वो बताएंगे, काउंट बता सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज कितनी होंगी वो नहीं बता सकते। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब x की वैल्यूज क्या होंगी, कितने x होंगे वो बता पाएंगे हम, ठीक है। चलो, तो इसको कॉपी कर लो। अब मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, e की पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ ई एक्स, ठीक है। वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, और मैं इसको बताता हूँ ग्राफिकली, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा y fx हो गया एंड ये मेरा gx हो गया, तो दोनों को प्लॉट कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या सॉल्व करना है, प्लस वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है ना। लिख लेना सॉल्व दिस इक्वेशन, ऐसे लिख लो, सॉल्व करना मतलब वैल्यूज भी बताना है। अगर उसे केवल सॉल्यूशन पूछना होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो अलग से बोल देगा कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, अगर उसने बोला सॉल्व दिस, इसका मतलब मुझे एक्स भी निकालना है, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं हम, तो पहले मैं इसको बना लेता हूं, ई की पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करें हम, देखो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे ई की पावर एक्स से स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने किया e की पावर x प्लस 1, फिर x को माइनस x से रिप्लेस किया, और ये हो जाएगा x को x प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस x, तो e की पावर माइनस x प्लस 1। तो देखना, e की पावर x को, दिस इज e की पावर x, इसको 1 यूनिट x प्लस 1, मतलब पीछे की साइड किसका आना है, तो पीछे की साइड किसका आना है, मतलब हमारा
ऐसा कुछ तो आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू जीरो पे e आएगा, तो दिस इज e, दिस इज e की पावर x प्लस वन, ठीक है। वन यूनिट पीछे खिसका दिया मैं, ठीक है। पहले ये मेरा वन था, ग्राफ का पोजिशनिंग सेम लगेगा बट एक्चुअली वो थोड़ा शिफ्ट हो गए, ये आगे आएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, y इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा। पहले वन था y इंटरसेप्ट, अभी e है, ठीक है। अच्छा, अब x को माइनस x से रिप्लेस करना मतलब क्या होता है, पूरा कर्व हमारा y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे हम, तो इसका मिरर इमेज लेंगे तो देखना क्या बन रहा है हमारा। मैं इसमें बना देता हूँ डायरेक्टली, देखना ये वाला पार्ट का मिरर इमेज आएगा ये, और इधर आएगा ये, तो दिस इज y इज इक्वल टू e की पावर 1 माइनस x, ठीक है। दिस इंटरसेप्ट इज e, क्लियर है। ये किसका कर्व हो गया, fx का। अब क्या करूं मैं, gx का बनाता हूं, तो gx के लिए क्या करें, ln x का बनाते हैं, उसके बाद स्केलिंग करेंगे। तो ln x का बनाने के लिए दिस इज y इज इक्वल टू ln x, दिस y इज इक्वल टू ln x। देखो अब ln x इंटरसेक्ट इधर किस पे करता है, वैसे जनरली 1 पे ln x, बट इधर e से स्केल किया तो क्या हो जाएगा, ये 1 by e, या फिर रख के देख लो, x जगह 1 by e रखोगे तो क्या हो जाएगा, ln 1 व्हिच इज 0, तो x इंटरसेप्ट इज 0। तो पता चल गया कुछ कि ये दोनों ग्राफ एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इससे ये पता चल गया कि इसका एक सॉल्यूशन आएगा। अब आएगा क्या, वो निकालने के लिए हमें हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल से मेरा मतलब है, अगर वो सॉल्वेबल होगा तो उसके जो आंसर्स होंगे ना, वो मतलब इंटीजर टाइप होंगे, 1, 2, 3 इस टाइप से इंटीजर्स होंगे, या मतलब बहुत सिमेट्रिक आंसर होंगे। तो अब हम ऑब्जर्वेशन से निकालेंगे, तो दिख रहा है मुझे जो आंसर है एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, वो 1/e से बड़ा है, तो इसमें 1/e से बड़ा वैल्यू मुझे रखना है और ये दोनों बराबर आ जाए। तो खुद सोचो कि मतलब टर्म्स थोड़ी मिनिमाइज हो जाए या सिमेट्रिक हो जाए या थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाए, तो मैं क्या रख के देखूं, x से 1 रख के देखा, तो 1 रखने पे इधर क्या आ रहा है, e की पावर 1 माइनस 1 विच इज 0, e की पावर 0 इज 1, और इधर से क्या आ रहा है, ln e विच इज 1, तो ये दोनों बराबर कब हो रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पे बराबर हो रहे हैं, तो हेंस x इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। अब कोई बोलेगा, देखना अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चे का जवाब, कि सर ये टर्म इतना ना करके डायरेक्टली लिख लेते, डायरेक्टली देख लेते कि 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो hence x is equal to 1 is the solution, which is not correct. क्यों? देखना, जब मैंने x is equal to 1 रखा हो, satisfy हो गए, उससे ये आ गया x is equal to 1 is the solution, which is a correct statement. But उससे ये verify नहीं हुआ कि x is equal to 1 is the only solution. सुनना, difference है. x is equal to 1 solution है, उससे ये clear हो गया था. But x is equal to 1 is the only solution, वो clear नहीं हुआ था. वो तो हमने hidden trial से रखा ना, x is equal to 1 पे satisfy हो गया. अब देयर आर इनफाइनाइट एक्स ना, दो कोई भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट एक्स होते हैं, अब हर एक एक्स थोड़ी रख के देखेंगे हम इसमें, जैसे 1 रखा 1.1 1.2 1.02 1. कुछ, देयर आर इनफाइनाइट एक्स, हर एक रख के तो देख नहीं रहे हम, न रख पाएंगे हम प्रैक्टिकली। तो इसका मतलब हमने दो चीज की हेल्प ली, ग्राफिकली से हमें क्या पता चला कि एक ही सॉल्यूशन होगा, और फिर मैंने हिडन ट्रायल से देखा x = 1 इज द सॉल्यूशन, इन दोनों को कंबाइन करके मैं बोल रहा हूं x = 1 इज द ओनली सॉल्यूशन। क्लियर हुआ, बातों को ज्वाइन करना दोनों को, ग्राफिकली तो मेरे को पता चला नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हिट एंड ट्रायल से पता चला x = 1 इज द सॉल्यूशन, अब इन दोनों स्टेटमेंट को मैंने कंबाइन कर दिया कि x = 1 इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरा मतलब है, एक काम करते हैं, हम इनइक्वालिटी पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ क्वेश्चन ले लेंगे। तो इनइक्वालिटी मतलब क्या है, जैसे अभी तो क्या था हमारा, fx is equal to gx था, अब मेरा क्या होगा, fx greater than gx या fx less than gx, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, to solve let's say fx greater than gx, fx greater than gx, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, प्लॉट बोथ द कर्व्स, ठीक है ना, प्लॉट बोथ द कर्व्स, प्लॉट बोथ द कर्व्स, दैट इज, को कलर चेंज कर देता हूं, दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एंड राइट वैल्यूज ऑफ x फॉर विच ग्राफ y is equal to fx is above the graph of y is equal to g of x। समझ में आया क्या बोला,
उसने बोला कि y fx greater than gx तुम्हें सॉल्व करना है, तो दोनों ग्राफ को बनाओ एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, फिर वो x देख लो जिसके लिए fx वाला ग्राफ ऊपर आ रहा है gx के, वो सारे x हमारे क्या होंगे, इसके इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब क्या है, देखो हम समझते हैं इसको। मैंने एक एग्जांपल, मतलब एक एग्जांपल ही देख लेते हैं, एग्जांपल से मेरा मतलब थियोरेटिकल एग्जांपल। सो लेट्स से दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड लेट्स से दिस इज द कर्व y इज इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है, और दिस इज द लेट्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज अल्फा सम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तब देखना इधर चार केसेस, दो केसेस बना रहा हूं मैं, fx ग्रेटर देन gx, चलो ऐसे लिख लेते हैं, और fx ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ x, gx लेस देन fx, g ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। इन चारों के सॉल्यूशंस लिखने हैं मुझे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो देखना क्या लिखूंगा, अभी क्या बोला fx greater than gx को सॉल्व करना है तो क्या करें, दोनों ग्राफ बनाएं, तो वो तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब x x, अब मुझे x x की वो वैल्यूज देख लो जिसके लिए fx का ग्राफ gx से ऊपर है, तो चलो कलर दूसरा बना लेता हूं मैं, fx मतलब लेट्स से ब्लू वाला बनाता हूं, ये थोड़ा बोल्ड वाला है, दैट इज fx, ठीक है। अब देखो कि देखो अल्फा पे तो दोनों बराबर हो रहे हैं, तो अच्छा एक और लिख लो, चलो इधर fx = gx लिख लो, पांचों सॉल्व करने हैं लेट्स से, ठीक है, पांचों चीजें लिखनी है। तो देखना मैं लिख रहा हूँ fx gx के बराबर कब हो रहा है, ये तो क्लियर है x इक्वल टू अल्फा, तो इधर तो मेरा आ जाएगा x इज x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट अल्फा, केवल एक ही आंसर है दैट इज अल्फा, तो आई एम यूजिंग डिस्क्रीट सेट। अब fx ग्रेटर देन gx, तो x की वैल्यू देखो जब fx ऊपर है gx से तो क्या रहा, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, और अल्फा पे भी क्या आएगा ओपन, क्योंकि उसने ग्रेटर देन बोला है, ऊपर कब है, बराबर भी नहीं, तो ऊपर तो अल्फा तक है, अल्फा से जस्ट पहले, तो क्या लिखूंगा मैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से अल्फा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा क्लोज, अल्फा भी इंक्लूड कर लेंगे हम क्योंकि अल्फा पे इक्वालिटी विल होल्ड। अब आते हैं gx fx, सॉरी वेट वन मिनट, वेट, ये दोनों सेम ही लिख दिया ना ये दोनों, एक काम करो इसको उल्टा कर लो साइन को, ठीक है। अब gx ऊपर कब होगा, तो अल्फा के बाद से होगा ब्लैक वाला कर, तो ये हो जाएगा अल्फा से इन्फिनिटी, अल्फा टू इन्फिनिटी, अगेन अल्फा पे ओपन इसलिए लगाया क्योंकि इधर इक्वालिटी नहीं है, बट हियर इक्वालिटी भी मतलब इक्वल भी हो रहा है तब भी वो भी x लिखना है मुझे, तो आंसर इज क्लोज इंटरवल अल्फा टू इन्फिनिटी। तो समझ में आया इसके थ्रू, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना, ये कैसे हमें प्लॉट करना है। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना, ये तो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से था एग्जाम्पल, अब मैं देखूंगा जो एक्चुअली क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में, ठीक है। तो बिफोर दैट यू जस्ट कॉपी दिस पार्ट, आई विल रब इट। चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो ये इसको, चलो पहले इसी को ले लेते हैं एग्जांपल वन, इसके ऊपर साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, मुझे इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। इसको हम दो तरीके से देखेंगे, देखना कैसे, पहले क्या किया हमने, ग्राफिकली देखेंगे दोनों, हालांकि लेट्स से दिस इज माय fx एंड दिस इज माई जी एक्स, ठीक है, तो दोनों ग्राफ को बना लेते हैं और वो एक्स देख लेते हैं जब एफ एक्स जी एक्स से ऊपर है, वो सारे एक्स मेरे आंसर्स हो जाएंगे। तो लेट मी प्लॉट बोथ द कर्व्स, तो एक को हम ब्लैक से बनाते हैं एक को ब्लू से, तो लेट्स से साइन इनवर्स एक्स को मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, सो इट इज समथिंग लाइक दिस, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, चलो ठीक, दिस इज माइनस पाई बाई टू, दिस इज प्लस वन, दिस इज माइनस वन, ठीक है, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज माइनस पाई बाय टू, ठीक है, ये हो गया वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स बना देते हैं इसी स्केल, इसी ग्राफ, इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय टू पे जीरो होता है एंड द कर्व इज समथिंग लाइक दिस, तो ये हो जाता है हमारा पाई, ठीक है, क्लियर है। तो ब्लू वाला मेरा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, और ब्लैक वाला मेरा क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अब मुझे क्या सॉल्व, अब ये दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो अगर मान लो किसी ने बोला साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स सॉल्व करो, तो मेरा एक ही एक्स आएगा, दिस इज व्हाट एक्स, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं कैसे आएगा ये,
तो मुझे निकालना है साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऊपर कब है। तो ऊपर कब है मुंह में शेड कर देता हूं, तो ब्लैक वाला ग्राफ ऊपर कब है, इस इधर से इधर तक, ठीक है। अच्छा अब साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर कब होते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पे दोनों 45 डिग्री होते हैं, तो दिस वैल्यू एक्चुअली दिस वैल्यू इज 1/√2। अब देखो अब मेरे को ये जो मैंने शेड किया ये वाला जो ग्राफ है दिस इज माय फेवरेबल ग्राफ। फेवरेबल से मतलब है ये ग्राफ ऊपर चाहिए मुझे और ये किस रीजन में है, 1/√2 से 1। हेंस द आंसर इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू अगेन ग्रेटर देन है इक्वालिटी है नहीं, तो 1/√2 पे भी क्या आएगा ओपन आएगा, तो इधर हो जाएगा मेरा 1/√2 से 1 एंड 1 विल बी क्लोज। 1 पे तो इक्वालिटी आई हमारी, 1 पे दिस इज सेटिस्फाइड, क्योंकि साइन इनवर्स 1 कितना है पाई बाई 2 एंड साइन कॉस इनवर्स 1 इज 0, 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन। चलो अब मैंने बोला कि इसको हम एक और तरीके से कर सकते थे, देखना मेथड 2, दिस इज मेथड 1 हो गया, ये हमारा मेथड 1 हो गया, दिस इज माय मेथड 1। अब मेथड 2 देखना क्या किया मेथड 2 के लिए, एक मिनट इसको रब कर देते, इधर कर देते हैं। सुनना कॉस इनवर्स एक्स को मैंने लिख दिया पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, वो तो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, एक साथ तीन कैटेगरी लिखे थे फॉर्मूले के, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है पाई बाय टू, ठीक है ना। उसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय टू, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाय टू, वो सारे फॉर्मूले देखे थे। तो उसके हिसाब से मैं कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख रहा हूँ, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो एक एक ऑलरेडी था एक और आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, टू साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 1। अब ये 2 को इधर लेके गए, तो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन, सॉरी ये पाई बाय 2 है, सॉरी दिस इज पाई बाय 2, तो दिस इज पाई बाय 4। समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये भी बेसिकली मेरे लिए दो कर्व है, एक y is equal to fx, this is y is equal to gx, तो this is a constant curve, तो थोड़ा प्लॉट करना आसान ही होता है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। तो देखना पहले मैंने साइन इनवर्स एक्स का बनाया, तो साइन इनवर्स एक्स का तो ये बन गया हमारा, दिस इज वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, वाई इज इक्वल टू ये एफ एक्स हो गया, दिस इज एफ एक्स, जी एक्स और प्लॉट कर लेता हूं, तो जी एक्स क्या होगा मेरा स्ट्रेट लाइन पाई बाय फोर, दिस इज स्ट्रेट लाइन, वाई इज इक्वल टू पाई बाय फोर, ठीक है। तो दिख रहा है इस पॉइंट से लेके पाई बाय फोर कब होता है, साइन इनवर्स एक्स 1/√2 पे, और ये मेरा क्या है 1, तो दिस इज माई फेवरेबल, साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 4 से ज्यादा है, तो 1/√2 से 1 वही हमारा इधर आया था, क्लियर हुआ। तो एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग अप्रोचेस से कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा कंसेप्ट कितने क्लियर है, ठीक है। अगर हर एक लेक्चर ध्यान से सुनोगे, ठीक है, और प्रैक्टिस डेली टच में रहोगे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मेंस में मतलब आराम से तुम लोग 50 से 60 नंबर बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो, केवल जितना नोट्स पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो, प्लस मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ DPP सॉल्व कर लो, ठीक है ना। और अगर टाइम मिले फिर भी RD शर्मा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है मेंस में 60 मार्क्स स्कोर करने के लिए। हाँ थोड़ा एडवांस के लिए हमें सीनेज वगैरह भी लगाना पड़ेगा, बट फॉर मेंस यू कैन सॉल्व क्लास नोट्स प्लस अरियंत DPP, और टाइम मिले तो RD शर्मा। अरियंत DPP को मैं प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि उधर एक सिस्टमैटिक है, मतलब कैटेगराइज अच्छा है क्वेश्चंस का, RD शर्मा भी अच्छी है, बस RD शर्मा में क्या कैटेगरी नहीं है क्वेश्चंस की, मतलब कभी इस टॉपिक पर जंप होगा, कभी उसके कभी इसके, तो जब तक पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तब तक हम RD नहीं उठा सकते, बट अरियंत का तो ऐसा है कि टॉपिक वाइज यू कैन गो, ठीक है। चलो वो तो हो गया बात की बात, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब देखना एक और क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 4 - x² > 2x, ठीक है, ये आसान है क्वेश्चन, बस तुम्हें ये कर्व आना चाहिए, और ये मैंने पहले भी हमारा एक दो बार आया है ये कर्व, ठीक है ना, है तो सर्कल ही बट इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चंस में आया हुआ है। तो पहले हम इसको इस कर्व के बारे में डिस्कशन दे देते हैं, तो इसको लेट से मैंने अगर fx बोला और लेट से दिस इज gx, तो जी एक्स तो हाल प्लॉट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, विद स्लोप टू, एफ एक्स की मेन है, मेन दिक्कत एफ एक्स की। तो अब देखना एफ एक्स मतलब वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या लिखा है मेरा, अंडर रूट ऑफ 4 - x², तो जब मैं इन दोनों में स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर इधर आके, तो x² + y² = 4, और ये तो क्या हमारा सर्कल है। तो अब मैंने तुम्हें उस टाइम बताया था सर्कल में दो पार्ट है हमारे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो खुद सोचो ये जैसे अगर मैंने इधर से मैं अगर ये इक्वेशन दी होती, मैं इधर से y क्या लिखता,
वाई क्या लिखता, अगर मेरे को इधर से वाई लिखना होता तो एक्स स्क्वायर को उधर लेके गए, फोर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस माइनस, तो एक आता प्लस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, एक आता माइनस अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये प्लस वाला है ना वो ऊपर वाला है, इट इज प्लस अंडर रूट फोर माइनस, ये याद रखना हमें, एंड दिस इज माइनस अंडर रूट। दिख रहा है ना कि रूट ऑफ एनीथिंग तो पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा ये पार्ट पॉजिटिव है ऊपर वाला, और नीचे वाला अंडर रूट हमेशा नेगेटिव, अंडर रूट तो पॉजिटिव होगा, एक बाहर माइनस लगा है, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो दिख रहा है बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है नीचे वाला पार्ट, तो क्लियर हुआ। अब मुझे क्या है, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ, तो ये मिटा दिया मैंने, ठीक है। तो दिस इज माय ग्राफ y इज इक्वल टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें ये कोऑर्डिनेट्स का हो जाएंगे, ये कब जीरो होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू पे, तो दिस इज टू एंड दिस इज माइनस टू, ठीक है, दिस इज जीरो, क्लियर है। चलो अब हम ग्राफ बना लेते हैं y इज इक्वल टू टू एक्स का, तो y इज इक्वल टू टू एक्स विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप टू, तो इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तुम लोग लिख लेना y इज इक्वल टू टू एक्स, थोड़ा सा 45 से ज्यादा होगा स्लोप, तो दिस इज y इज इक्वल टू टू एक्स, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देख लेते उसने क्या पूछा है, सर्कल वाला पार्ट लाइन वाले से ज्यादा ऊपर हो, तो कब हो रहा है देखना, मैं रीजन मार्क कर देता हूँ, सर्कल वाला ऊपर चाहिए, तो लाइन वाला तो मेरा और नीचे इधर तक एक्सटेंड होगा, ये पूरा आ रहा है नीचे से, तो देखो माइनस टू से लेके, अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्स वन है, तो माइनस टू से एक्स वन क्या हो रहा है मेरा, सर्कल वाला पार्ट ऊपर है ब्लैक वाली लाइन से, तो दिस इज अबव द कर्व एक्स इज वाई इज इक्वल टू टू एक्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स होगा विच इज माइनस टू से एक्स वन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वालिटी नहीं है तो एक्स वन पे भी ओपन आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस टू ओपन से एक्स वन ओपन। अब मेरा टारगेट क्या होगा, एक्स वन निकालना, तो एक्स वन कैसे निकाले, दोनों को इक्वेट कर देते, एक्स वन इज द वैल्यू ऑफ एक्स वन, एक एक्स की वैल्यू है जिसके लिए दोनों कर्व बराबर है, कर्व बराबर है मतलब वाई बराबर है इन दोनों का, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कैसे करें, स्क्वायर करना पड़ेगा, अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो देखना मैंने क्या किया है, फोर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, तो ये उधर गया, तो ये हो गया फोर इज इक्वल टू फाइव एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू बाय रूट फाइव, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा दो वैल्यू कैसे आ रही है, हमें तो एक ही जगह इंटरसेक्ट दिख रहा है, एक्चुअली मैंने सॉल्व किसके साथ किया, फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्चुअली ये दो कर्व है ना, एक ऊपर और एक नीचे, तो जो दो वैल्यू आ रही है ना, दैट करस्पॉन्ड्स टू वन ऑफ द वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू ये वाला एक्स, बट मुझे इससे मतलब नहीं, दिस करस्पॉन्ड्स टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे तो पॉजिटिव एक्स चाहिए, तो हेंस आई विल टेक प्लस वाला, तो दिस एक्स वन इज टू बाय रूट फाइव, तो फाइनली आंसर हो गया माइनस टू से टू बाय रूट फाइव। समझ में आया दो क्यों आए थे, क्योंकि हमने पूरा सर्कल के साथ सॉल्व किया, जब स्क्वायर कर दिया ना तो ये सर्कल बन गया, y square is equal to 4 minus x square. तो पूरे सर्कल के साथ हमारी इस लाइन के तो दो पॉइंट निकलेंगे इंटरसेक्शन के, क्लियर है बच्चों। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देना ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस फोर कॉट इनवर्स एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद हम एंड अप करेंगे आज का लेक्चर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो दिख रहा है कॉट इनवर्स एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो कॉट इनवर्स एक्स को दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, एक मिनट उसके लिए उसको कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, लेट से वाई मान लेते हैं। तो लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जेड मान लेते हैं, चलो तो ये हो गया मेरा जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो इसके तो रियल रूट्स है, सम ऑफ द रूट इज फोर प्रोडक्ट इज थ्री, तो वन एंड थ्री, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो इसका सोल्यूशन क्या आता है हमें, जिस नंबर लाइन ये दिस इज अ क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्या आता है आउटसाइड द रूट्स, ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ा है, नहीं तो ऐसे लिख लूँ वन थ्री पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक तो मेरा ये रीजन होगा, एक मेरा ये रीजन होगा, मतलब z ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन और मतलब यूनियन यूनियन z ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू वन, z लेस देन इक्वल्स टू वन भी सॉल्यूशन है, z ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री भी सॉल्यूशन है, और z है क्या उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, तो ये आया cot इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू वन एंड दिस इज cot इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री। बट सॉल्व करना तो मतलब क्या होता है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालना, इसके टर्म्स में तो नहीं छोड़ सकता मैं, अब क्या होगा, अब मैं ग्राफिकली करूंगा इसको सॉल्व, कैसे देखना,
अब एक काम करते हैं, मेरे को तो इन दोनों का आंसर यूनियन है, इन दोनों का यूनियन इज माय फाइनल आंसर, ठीक है? तो मैं इसका आंसर पहले निकाल लेता हूँ, इसका आंसर फिर निकालूंगा और दोनों का यूनियन ले लूंगा। तो अब जस्ट सोचो, दिस इज अ सेपरेट क्वेश्चन फॉर यू, सॉल्व कॉट इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन। तो अब इसको ऐसे एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, तो एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स। तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ एक्स को बनाएंगे और जी एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो पहले मैंने कॉट इनवर्स एक्स को प्लॉट किया, देखना cot inverse x, तो जैसे कि मैंने बोला है बेसिक ग्राफ एकदम टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है ना? तो cot inverse x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना? दिस इज पाई बाय टू, दिस इज जीरो, दिस इज पाई, ठीक है? चलो, अब उसने बोला cot inverse x less than equals to one, तो ये तो y is equal to fx हो गया, ये fx है, अब gx और बना लेते हैं। जी एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू वन, तो सोचो वन किधर आएगा, पाई बाय टू से कम होगा, तो मतलब इधर आएगा हमारा, दिस इज वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है? वाई इज इक्वल टू वन है, उसने बोला कॉट इनवर्स एक्स नीचे होना चाहिए वन के, मतलब ब्लैक वाला कर्व नीचे आना चाहिए, तो रीजन कौन सा हो गया, मैं मार्क कर देता हूं, देखना ग्राफिकली, और नीचे आना चाहिए, इधर तो ओपन आएगा, और ये वाला रीजन, तो ये वाला रीजन हो गया, ठीक है? अब तुम वीडियो पॉज करके सोचो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, व्हाट इज एक्स वन, जस्ट थिंक इट। बहुत से लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना? मैं बताऊंगा गड़बड़ क्या होता है, वो इसको cot inverse 1 बोलते हैं एक्चुअली, बट दिस इज नॉट cot inverse 1, x1। देखो कैसे निकालेंगे इसकी, देखो ये पता है मुझे y is equal to 1 है, तो और ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑन cot inverse x ग्राफ ऑल्सो, तो मैं क्या करूं, cot inverse x is equal to 1 को सॉल्व कर लेता हूं, इससे x निकाल लेता हूं, वो जो x होगा वो x1 होगा, तो इधर से x कितना आया, cot 1, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट, तो दिस x1 इज इक्वल टू cot 1, समझ में आया कैसे आया cot 1, y इज इक्वल टू 1 पे, y इज इक्वल टू 1 लाइन थी, तो इस लाइन पे जो ब्लू वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, उस पे हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है, तो इस पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका कोऑर्डिनेट भी 1 होगा, और वो है क्या, cot इनवर्स x इज इक्वल टू 1, इक्वेट किया उधर से x आया cot 1, क्लियर है बच्चों, वाई दिस एक्स इज इक्वल टू कॉट वन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया, इस वाले का आंसर देखना, कॉट वन से इंफिनिटी, कॉट वन से इंफिनिटी, कॉट वन पे भी ओपन लगाया है, बिकॉज मुझे ग्रेटर, एक मिनट को, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू है, तो इधर क्लोज आएगा, वेट अ मिनट, इधर क्लोज आएगा, इधर ओपन नहीं करो, इधर क्लोज ही करो, ठीक है? कॉट वन से इंफिनिटी, अब ये पूरा आंसर नहीं है, अब इस ये पार्ट और कर लेते हैं, अब तो तुम लोग भी कर लोगे, तो वीडियो पॉज करके क्या करो, एक बार खुद से करो इसको, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या लिखा है, cot inverse x greater than equals to 3, तो cot inverse x तो बनाया हुआ है, y is equal to 3 बना लेते हैं, तो 3 जो होगा वो क्या होगा, पाई और पाई बाय 2 के बीच में होगा, तो जो y is equal to 3 जो कर्व होगा, दैट विल बी समवेयर हियर, दिस इज y is equal to 3, तो इसने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या करूं मैं इसको निकालने के लिए, जैसे इधर किया था cot inverse x को 1 के बराबर किया, इधर क्या करूं, cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3, तो इधर से एक्स आया cot 3, तो दिस इज cot 3, दिस इज एक्स 2 इज इक्वल टू cot 3। अब मुझे इधर क्या चाहिए था, cot इनवर्स एक्स 3 से ऊपर होना चाहिए, तो ग्राफ ब्लैक वाला ऊपर होना चाहिए, तो क्या आएगा, ये वाला रीजन, क्लियर हुआ जो मैं बना रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से cot 3 क्लोज। तो फाइनल आंसर देखो ना हमारा, फाइनल आंसर विल बी यूनियन ऑफ दीज टू। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, cot 1 से इंफिनिटी क्लोज इंटरवल, अच्छा एक मिनट, माइनस उल्टा लिखेंगे हम, पहले वो लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से cot 3 क्लोज यूनियन cot 1 से इंफिनिटी, दिस इज माय आंसर, ठीक है? तो बहुत इंटरेस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जब भी कर पाओगे, अभी तक तुम्हारा हर एक चीज कंसेप्ट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है ना? स्पेशली ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये थोड़ा नया चीज है, जनरली इसको cot inverse 1 लिख देते हैं, x को, y की वैल्यू 1 है, cot inverse x इज 1, नॉट x इज cot inverse 1, x तो cot 1 होगा, ठीक है ना? कैसे आया x वैल्यू, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y 1 है, और ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे एक, जो ब्लैक वाला कर्व है, दैट इज cot inverse x, तो cot inverse x की वैल्यू 1 है, तो हम ये देख रहे हैं फिर x क्या है, क्लियर है बच्चों? तो इतना काफी है, अब एक क्वेश्चन में होमवर्क दे देता हूँ, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो। एक इक्वालिटी से क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का नहीं है,
और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको टाइम देना 15-20 मिनट, पूरा सॉल्व करना हर एक पॉइंट उसका, तुम लोग को अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है ना, और उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत दिखने में बहुत छोटा सा लगेगा एग्जाम्पल, बट काफी अच्छा एग्जाम्पल है, काफी अच्छा। सॉल्व फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, बहुत छोटा सा लग रहा है बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी तुम्हें इसमें क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करना है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही बताने प्लस वो सॉल्यूशन है क्या, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो मतलब ये समझ लो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 50%, जैसे अगर मान लो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो ये 1 मार्क, ये 3 मार्क्स, ऐसा वेटेज 25% इसका मेन वेटेज नंबर ऑफ एक्स निकालना, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूज तो आ ही जाएंगे इक्वेट करके, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, तो उन लोग अगर मान लो किसी में भी डाउट आता है तो मैं पहले खुद से रिमाइंड करके देखो समझो, ठीक है, फिर भी नहीं आता है तो मुझसे पूछो, ठीक है, बट छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।